मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट्स का अगर आप भोग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है, अपने महत्वपूर्ण काम फिलहाल आप निपटा लें। भगवान कृष्ण को अगर माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बेवजह के विवादों से बचाव करें और रिश्तों में सावधानी बनाए रखेंगे। भगवान कृष्ण को अगर तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, किसी अतिथि का इस समय आगमन हो सकता है। भगवान कृष्ण को अगर आप खीर का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की रुकावट आपके दूर होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का यानी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत में लापरवाही ना करें, ऑफिस में शांति बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी सारी दौड़ भाग बनी रहेगी, करियर में सफलता होगी और लाभ मिलेगा। इस समय अपनी योजनाओं को और अपने काम को गोपनीय रखें। भगवान कृष्ण को अगर आप पीला फूल अर्पित कर दें या पीला वस्त्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता फिलहाल दिख रहा है, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के बोझ से आपको परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है, बड़ों की सलाह मान करके चलेंगे तो आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर चंदन अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, करियर में आपको धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर आप मिश्री अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।